गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई विद्यासागर वेलकम यू ऑल इन द ई लर्निंग क्लास ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड 6 एंड दिस इज सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ द बुद्धा दे हैव प्रीच्ड द बेस्ट नॉलेज एंड हाउ दे डेवलप्ड द रूल्स थ्रू विच द पब्लिक द डिफरेंट द कॉमन पीपल्स they get benefited. Now, best story is mentioned here of Kisha Gautami. Like, once a woman whose name was Kisha Gautami, she was whipping and she was just because her son was died. When she came to know that Buddha was in her village, she was carrying her son in her lap. वह अपने बेटे को जो है अपनी गोद में ले ली थी और रोती हुई जो है शी वेंट टू बुद्धा और बुद्धा के पास गई। सब लोगों ने उन्होंने कहा दैट बुद्धा इज लाइक गॉड, बुद्धा भगवान की तरह है, आप उनके पास जाइए, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बाई दिस शी वेंट टू बुद्धा, बुद्ध के पास गई। बुद्धा टोल्ड दैट आई विल bring back life of your child, but you have to do one thing. She was filled with overjoy. वह जो है बहुत खुश हो गई और बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे का जो प्राण है वो वापस ला दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तो उसने कहा what I have to do, मुझे क्या करना पड़ेगा। बुद्ध told her that you have to bring one cup of mustard. Okay. तुम्हें जो है वो एक कप जो है वो मस्टर्ड यानी सरसों लाना पड़ेगा एंड दैट शुड बी फ्रॉम दैट टाइप ऑफ हाउस वेयर नो वन हैज़ डाइड, और वह उस घर से लाना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे जो है कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स बुद्धा हैज़ टोल्ड एंड सी वेंट, वह चली गई। लेटर सी फाउंड दैट व्हेन सी नॉक द डोर एंड डोर एंड सी वाज गोइंग, जब वह दरवाजे दरवाजे जो है इधर उधर जा रही थी, सी केम टू नो दैट नो एनी हाउस इज देयर वेयर नो एन एनी वन हैज़ बीन डाइड, वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे मरा नहीं है। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हेयर, हम लोग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, दैट दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स ई प्रिंस द डेथ इज ट्रूथ हेयर। और जब वो वापस आई तो बुद्ध ने उसे समझाया दैट द ट्रूथ इज एवरीवेयर, सच्चाई जो है सभी जगह है, और द डेथ इज एमंग वन ऑफ द ट्रूथ, और मृत्यु जो है वो एक प्रकार का सच है। And we have all have to accept it. हमें जो है इसे स्वीकार करना पड़ेगा। Okay, now about the Upanishad. Basically Upanishad, the term Upanishad, it means in the earlier times as the Buddha, he was preachings and perhaps little later other thinker also tried to find out the questions. यानी कि एक कठिन प्रश्न का जो है उत्तर, ऑल दे वांटेड टू नो दैट व्हाट हैपेंड आफ्टर देयर डेथ, यानी कि सभी जो है यह जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद आखिर जीवन में क्या होता है। दे ऑल रियलाइज दैट देयर इज समथिंग आफ्टर द डेथ, यानी इस शरीर की मृत्यु के बाद कुछ ना कुछ ऐसा है विच एग्जिस्ट यूनिवर्सली फॉर एवर, जो कि अनंत समय तक जो है इस ब्रह्मांड में निहित रहता है। एंड फाइनली दे कैम टू नो, वो इस सॉल्यूशन पे आए दैट देयर इज समथिंग लाइक द आत्मा सोल, है ना, यानी कि सोल आत्मा जिसे कह सकते हैं, वो क्या है कि इस मृत शरीर के बाद भी वे जो है वो जीवंत रहता है। एंड दिस आत्मा ये एग्जिस्टेड इन दिस यूनिवर्स, और ये जो आत्मा है वो इस यूनिवर्स में रहती है। देयर इट वॉज टेलिंग दैट आत्मा एंड ब्राह्मण्स वेयर वन, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रडिक्शन हो गया।
दैट आत्मा और जो ब्राह्मण्स हैं वो एक ही होते हैं. सी दैट मेनी ऑफ आइडियाज वेयर रिकॉर्डेड इन उपनिषद दैट वेयर लेटर वैदिक एंड अप्रोचिंग. तो उपनिषद बेसिकली जो है ये रिकॉर्ड किया गया और इसमें वस्तुतः यह बताया गया कि उपनिषद द टर्म उपनिषद इट मीन्स किसी उपदेश को सुनना, किसी भी जो है वो महान व्यक्ति के निकट जाकर जो है वो इस उपदेश को सुनना, यही उपनिषद कहलाता है. ओके ऑफन द आइडियाज वेयर प्रेजेंटेड और तरह तरह के आइडियाज जो हैं इनके बारे में प्रस्तुत किए जाते थे. नेक्स्ट इज एक और कहानी जो दिया गया है आपके सामने, द वाइज बेगर, है ना, यानी कि बुद्धिमान भिखारी. हेयर इज द डायलॉग विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द छंदोग्य उपनिषद. यह जो स्टोरी है, कहानी है, ये उपनिषद छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है बेसिकली जो है ना. तो इसमें बताया गया कि शौनक और अभिप्रतारिण, है ना, अभी ये जो दोनों जो रहते हैं वो ऋषि होते हैं. तो ये दोनों जो ऋषि होते हैं एक बार खाने के लिए बैठे हुए होते हैं और जब खाने के लिए जैसे ही वो बैठे होते हैं तो एक बेगर उधर से आता है, है ना. द बेगर केम देयर एंड टोल्ड प्लीज गिव मी फूड, और वो मांगता है कि मुझे जो है कुछ खाना दीजिए. बट दे रिफ्यूज्ड, वो जो है मना कर जाते हैं. तब उन्होंने कहा कि आप किन की पूजा करते हैं. तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो यूनिवर्सल सोल, यानी कि पूरी ब्रह्मांड में जो है वो जो आत्मा है उनकी हम पूजा करते हैं. तो उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में जो है, तो भेगर जो था वो चालाक था, उसने देखा और दूसरे से जो अभिप्रतारिण थे उन्होंने भी इस चीज़ को बोला कि हाँ हम लोग उन्हीं की पूजा करते हैं. तो उसने कहा कि ये आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो है वो क्या है, मैं भी इसी ब्रह्मांड का एक भाग हूँ, है ना. तो बोला कि हाँ यस ट्रूथ इट इज़ ट्रू, और अगर मैं इस ब्रह्मांड का भाग हूँ तो आप अगर उस ब्रह्मांड की जो है वो पूजा करते हैं, है ना, तो अगर आप इस भोजन में से अगर कुछ शेयर अगर मुझे नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप उस देव, यानी आप जो देवत्व रूप जो आत्मा की पूजा कर रहे हैं उसका अपमान होगा. इसीलिए अगर उस आत्मा की शांति चाहते हैं तो कुछ भोजन इसमें से मुझे भी दे दीजिए. सी हाउ द इंटेलिजेंट दैट बेगर वाज, है ना. ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.